पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आजकल नगर निगम में कूड़ा कलेक्शन के लिए पंजीकृत कंपनियों के द्वारा खूब मनमानी की जा रही है। जब अधिकारियों के द्वारा कंपनियों पर नकेल कसने की बारी आती है तो किसी न किसी तरह से नगर निगम पर दबाव बनाने की तैयारी कर ली जाती है। महापौर आवास पर किया गया प्रदर्शन भी कुछ ऐसा ही नजर आया, जहां पर कंपनियों की मनमानियों का नतीजा अब निगम के मुखिया की साख पर पहुंचता जा रहा है। दरअसल महापौर आवास पर आज सफाई कर्मचारियों के द्वारा थाली और चम्मच लेकर प्रदर्शन किया गया। जो कि हमेशा इनके साथ सफाई व्यवस्था को लेकर दुरुस्त करीब किया गया है। हमें इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और हमने इनसे बोला है, हमें नहीं पता नगर निगम या महापौर की या हमारी एस आर एम टी कंपनी का इसमें इनका क्या बातचीत है, क्योंकि हमारी समस्या हमारे कर्मचारियों महापौर 4 महीने से वेतन मिल रहा था, हमसे मतलब और हमारे और सिर्फ एक दबाव के लिए किया था, जो नगर निगम के अधिकारियों और महापौर के समझ में आसानी से आ गया। हालांकि अभी नगर आयुक्त संजय चौहान ने इस मामले में बोलते हुए कहा कि प्रदर्शन करने वाले लोग नगर निगम के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि कंपनी के कर्मचारी हो सकते हैं। हमने पत्रावलियों को चेक कराया है और कंपनी का जो पैसा बचा है उसे भिजवाया जा रहा है। फिलहाल कंपनी के कर्मचारी अपने काम पर लौट गए हैं, लेकिन इतना तय है कि कंपनी का पेमेंट निगम के अधिकारियों ने इसलिए रोक रखा था क्योंकि कंपनियां शहर में सही से कार्य नहीं कर रही थी, और अब अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से इस तरह का प्रदर्शन कराया है। हालांकि इस मामले में नगर निगम के कुछ कर्मचारी और अधिकारियों की भी साठगांठ सामने आ रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि निगम के अधिकारी और महापौर ऐसी कंपनियों पर कब तक कार्रवाई करेंगे, या फिर यूं ही ऐसी संस्थाओं की मनमानी झेलते रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो सर, जो ये कर्मचारी हैं इन्हें आखिरकार सड़कों पर उतरना पड़ा, तो क्या इसमें कोई नगर निगम का फॉल्ट रहा या कंपनी की तरफ से? देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि ये सब नगर निगम का अनुबंध निजी कंपनियों के साथ है, और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्राइमरीली उन कंपनियों के एम्प्लॉयज़ हैं। इनके जो भी इश्यूज़ हैं वो अपनी कंपनी के साथ में हैं, निगम का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, निगम द्वारा अपने अनुबंध का पालन किया जा रहा है, और इन कंपनियों को भी फील्ड स्तर पे जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनके निराकरण के लिए भी विभाग को इन्हें सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई है और उनको ये अवगत कराया गया है कि जो अनुबंध पत्र कंपनियों के साथ निगम ने निष्पादित किया है उसका अक्षर से पालन किया जाए। जहाँ एक और प्राइवेट कंपनियों का दायित्व तो है कि वो डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य पूरी ईमानदारी से करें और शहर में सफाई व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दें, वहीं निगम स्तर से भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनके जो भी जायज भुगतान इत्यादि बनते हैं उनको समय से इनको भुगतान कर दिया जाए। अभी मुझे ये बताया गया कि इनका भुगतान कुछ समय से लंबित है, मैंने पत्रावली का अवलोकन किया है, भुगतान की पत्रावली कल ही स्वीकृत हो चुकी है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के द्वारा इनको पैसा पहुँचना होता है, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आज ही इनका अवशेष भुगतान इनके खाते में कर दिया जाए, और भविष्य में इस व्यवस्था को प्रभावी तौर से पूरे शहर में लागू करने के लिए निगम के जो सैनिटेशन महकमा है, हेल्थ एंड सैनिटेशन का जो विभाग है, उसको उसमें नए तरीके से कार्य विभाजन करके और पूरे शहर में इसको लागू करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं, हाउस होल्ड्स ऐसे हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिन्होंने अपना कूड़ा तो इन कंपनियों को दिया है, कंपनी ने कूड़ा वहाँ से उठाया है, लेकिन कंपनी को यूज़र चार्जेस नहीं जमा किए हैं। तो ये जो जिस ये चुनौतियाँ जो सामने फील्ड स्तर पर आ रही हैं इनको दूर करने की रणनीति बना ली गई है, और स्वास्थ्य विभाग के विभागाध्यक्ष अपर नगर आयुक्त को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन वार्ता काफ़ी सार्थक माहौल में हुई और लोग अपने कार्य पर लौट गए हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।